बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्य टीम का ऐलान। 10 बड़े खिलाड़ियों को किया टीम से बाहर। युवाओं की लगी भरमार। 3 साल बाद टीम में लौटा गंभीर का चहिता खिलाड़ी। पूरी टीम में युवा ही युवा। इतिहास में पहली बार टीम इंडिया में खेलेंगे 1-7-3-3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। टीम इंडिया में पांड्या जैसे 2 खिलाड़ी और आए। मयंक यादव की भी लग गई लॉटरी। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्य टीम का ऐलान हुआ है और कैसे 10 बड़े खिलाड़ियों का यहां पर दोस्तों टीम से बाहर कर दिया गया और पूरी की पूरी युवा टीम नजर आ रही है दोस्तों इस स्क्वाड में, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टीम इंडिया इस समय यहां पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है बांग्लादेश के खिलाफ, जिसका पहला मुकाबला चेन्नई में ऑलरेडी खेला जा चुका है और जिसको टीम इंडिया 280 रनों से जीत भी चुकी है। लेकिन सबकी निगाहें हैं सेकेंड टेस्ट के बाद होने वाले T20 सीरीज पर। अब 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला 6 अक्टूबर से ग्वालियर के मैदान पर खेला जाएगा। उसके बाद 9 अक्टूबर को टीम इंडिया दिल्ली के मैदान पर मैच खेलेगी। फिर आखिरी और अंतिम T20 मुकाबला 12 अक्टूबर को होगा, जो कि हैदराबाद के मैदान पर होगा और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच सीरीज का आखिरी मैच होगा। लेकिन इस 3 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया ने अपने जो स्क्वाड है उसका भी ऐलान कर दिया है। अब स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, आइए उनका नाम जान लेते हैं। सबसे पहला नाम निकल कर आता है सूर्य कुमार यादव का। सूर्य यहाँ पर दोस्तों इस टीम को कैप्टन और लीडर रहने वाले हैं इस टीम के। उसके बाद दोस्तों एक और ओपनर के तौर पर रहने वाले हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पिछले कई मैचेस में ये यूं कहें कि कई महीनों में काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। उसके बाद दोस्तों संजू सैमसन को एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज चुना गया है, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा मौका होगा क्योंकि कम मौके मिल रहे हैं संजू को, एक और मौका मिला यहाँ पर इनको अपने आपको प्रूव करना होगा, लगातार निराश कर रहे हैं टीम को। उसके बाद दोस्तों टीम में रिंकू सिंह है, इनको भी काफी अर्से बाद मौका मिला है क्योंकि T20 सीरीजेस थी नहीं, पर अब फाइनली इनको मौका दे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों टीम में हार्दिक पांड्या है। आपको ध्यान रखना होगा कि हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव की कैप्टनशिप में खेलने वाले हैं। फिर दोस्तों रियान पराग हैं, जिनका फॉर्म इन दिनों काफी ज्यादा ठीक ठाक चल रहा है। और उसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी, अगेन एक अच्छे खिलाड़ी, IPL के फाइंड हैं और अच्छी तरीके से क्लीन हिटिंग करते हैं, इस वजह से इनको टीम में पिक किया गया है। उसके बाद दोस्तों शिवम दुबे हैं, जो कि फिर से एक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और फिर दोस्तों अगर बात करें तो अगले खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को पिक किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन ऑलराउंडर, आपको भी पता हमको भी पता है। और उसके बाद दोस्तों स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई रहेंगे। वरुण चक्रवर्ती को भी दोस्तों फाइनली इस टीम के स्क्वाड में मौका दे दिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर इस टीम में आपको जतिन शर्मा दिखाई देंगे, एक और विकेट कीपर, लेकिन चांसेस हैं कि इनको कम मौके मिले क्योंकि संजू को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी ओपनिंग के लिए और विकेट कीपिंग भी करने के लिए। उसके बाद बॉलर्स में बात कर दोस्तों तो अर्शदीप सिंह फाइनली इनको मौका मिला है। हर्षित राणा एक नया प्लेयर है, जो कि यहाँ पर दोस्तों युवा के लिए काफी प्रेरणादायक है जिस तरीके की बॉलिंग वो करते हैं। और फिर एक नाम जो सबको इंतजार था इस खिलाड़ी का और फाइनली बैक हो चुका है, और वो नाम है मयंक यादव का। चोटिल थे, सबको मन में एक सवाल था कि कहाँ है कहाँ है, फाइनली आ गए हैं और बांग्लादेश के खिलाफ अपनी फिर से रफ्तार को शुरू करेंगे। आप किस पर क्या रहा है, किस तरह के स्क्वाड है, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।